बचपन से एक कामयाब और मशहूर सिंगर बनने का सपना देखा था मैंने, जो पूरा होने जा रहा था। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं क्या चाहती हूँ। सलोनी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी कामयाबी या तुम्हारे सपनों से बहुत खुशी है। मैंने बस ये सोचा कि सलोनी ही है, उससे क्या पूछना। जो हमारा फैसला वही सलोनी का। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कहना बस इतना है कि ऐसी हालत में तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले रही हो। मैं मानती हूँ भाभी साहब, मैं मानती हूँ। शायद मैं भी इस ऑफर के लिए हाँ नहीं कहती, लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर ये हाँ या ना का फैसला मेरा अपना होता। मैं सलोनी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर बस उसकी चिंता थी इसलिए मैंने। उसकी बात का बुरा ना मान तारा, पता है ना, औरत जब गर्भ से होती है तो उसका स्वभाव कुछ बदल ही जाता है। क्या कह रही है, क्यों कह रही है, उसे खुद नहीं मालूम। आपकी बात सही हो सकती है बाबू। ईश्वर ने मुझे इस अनुभव से तो अलग ही रखा। जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक मां बनने के लायक नहीं रही। मैं बात करती हूँ सलोनी से, मैं समझाती हूँ उसे कि तूने जो भी कहा उसके भले के लिए था। ठीक है, आती हूँ। ले ले। तारा को गलत मत समझ सलोनी, उसने जो कहा जो किया वो इसलिए कि उसे तेरे होने वाले बच्चे की तेरी चिंता है। बाबू आप भी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर आप मुझे समझाने के बजाय तारा भाभी सर को जाकर क्यों नहीं समझाती। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था और ये बात तारा भाभी सर भी अच्छी तरह जानती थी, फिर भी बिना कुछ सोचे समझे अपना फैसला सुना दिया। एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा उन्होंने। क्यों बाबू? मैं समझती हूँ, लेकिन एक पल के लिए तारा की ओर से भी सोच के देख। देख, उसने अपनी छोटी बहन की जगह दी है तुझे, अपना हक समझती है तुझ पे, इसलिए उसके मुंह से ऐसी बात निकल गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा, उसके बारे में ज्यादा ना सोचना। ठीक है बेटे, इस हालत में गुस्सा अच्छा नहीं होता है, तू आराम कर। मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, कपड़े इधर उधर बिखर गए थे, मैंने सोचा अच्छे से जमा देती। आप मुझसे कह देती मैं कर देती ना। अच्छा लीजिए, जूस पी लीजिए जल्दी जल्दी। तू मुझे कोई काम नहीं करने देगी। चल अब मेरा काम तू कर, तेरा काम मैं करती हूँ। कहाँ है पीयूष? वो हॉल में खेल रहा है। मैं उसके साथ जाकर खेलती हूँ।
पापा जी की फोटो। बेटा ये साड़ियां भी कवर में रख। मम्मी जी, मैं जानती हूँ तुम क्या जानना चाहती हो। ये मेरा गुजरा हुआ कल है और मैं अपने गुजरे हुए कल को अपनी यादों में भी नहीं डालना चाहती। मम्मी जी, गुजरे हुए कल को भुलाना इतना आसान भी तो नहीं है। और मान लीजिए आपने अगर उसे भुला भी दिया तो क्या आपके भुलाने से सच्चाई बदल जाएगी? सलोनी, मेरी कॉफी ले आओ प्लीज। अरे कॉफी तुम ले आई? सलोनी कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हम जानते हैं तारा कि तुम सलोनी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगी। घर की बड़ी बहू जो हो, घर की एकता बनाए रखना फर्ज है तुम्हारा। लेकिन हमें इसी एकता को तोड़ना है तो हम इस मौके को जाया कैसे जाने दे सकते हैं? वो अपने कमरे में और नाराज भी। माफ करना ब्रिजेश बेटा, हमें तुम दोनों की बात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, बात ही ऐसी हुई है कि हमसे रहा नहीं जाएगा। हमने जो कुछ भी सुना उससे हमें भी उतनी ही तकलीफ हुई है जितनी तारा को। और वैसे भी इस घर में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या कह रही हैं आप पाकी साहब, बताइए तो सही क्या हुआ? देखा जाए तो बात बहुत छोटी है, पर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी। आज पहली बार सलोनी ने तारा के सामने ऊंची आवाज में बात की। अरे ये तो बेचारी उसके भले के लिए कुछ कहने जा रही थी। और क्या काकी साहब, बताइए ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल बात ऐसी है ब्रिजेश बेटा कि सलोनी के लिए एक बहुत ही बड़ी म्यूजिक कंपनी से ऑफर आया था जिसमें उसे कई टूर्स पर भी जाना था। अब ऐसी हालत में सलोनी के लिए सफर करना मुमकिन नहीं होगा, उसे तकलीफदायक होगा, ये ही सोचकर तारा ने बिना ही सलोनी को पूछे वो ऑफर के लिए मना कर दी। इसी बात को लेकर सलोनी को बहुत बुरा लग गया और उसने तारा को बहुत कुछ सुना दिया। सलोनी की जगह तुम्हें फैसला लेने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता कि इस बात के लिए तुम्हें सलोनी से जाकर माफी मांगनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो ब्रिजेश? तारा ने तो सिर्फ सलोनी का भला चाहा था। लेकिन भला चाहना और बड़े होने का मतलब ये नहीं कि अपने सारे फैसले तुम छोटों पर थोप दो। ये सलोनी की जिंदगी है, उसका करियर है, जिसके बारे में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ सलोनी को ही है। हम उसे सलाह दे सकते हैं लेकिन उससे उसका अधिकार नहीं छीन सकते। और तारा, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सलोनी इस घर को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है और ऐसी हालत में हमें उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सलोनी हमेशा खुश रहे और अगर इस कोशिश में हमें थोड़ा सा दर्द पहुंचता है तो हमें सह लेना चाहिए। चलो हम जाकर सलोनी को मनाते हैं। देखिए ना भावो, हमने सलोनी जी के लिए इतने प्यार से मूंग की दाल का हलवा बनाया और इन्होंने अभी तक हाथ तक नहीं लगाया इसे। आप ही समझाइए ना,
सलोनी, बेटे खाने से नाराजगी नहीं दिखाते, शाम से कुछ नहीं खाया तूने, चल थोड़ा सा खा ले, इसका मन भी रह जाएगा। बाबू मेरा मन नहीं है। मन हो ना हो, आपको तो ये हलवा खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ये हलवा आपके लिए ही नहीं बल्कि ठाकुर जी के आने वाले छोटे राजकुमार के लिए भी बनाया है। वृंदा तुम भाई साहब कैसी हो? सलोनी ठीक हूँ भाई साहब। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। क्या बात है, बहुत ज्यादा नाराज है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब तो मान जा सलोनी, छोड़ देना वो सब। अब तो आपका गुस्सा उतर गया है ना, तो फिर ये लीजिए, ये हलवा खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा ना। सलोनी हलवा गरम गरम है, खा लो। भाभी साहब सच में मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। अरे जानती हैं आप, हलवा खाने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है और दूध जैसा गोरा होता है। अगर सलोनी का खाने का मन नहीं है तो उसे जख्मत करो। आज से इस घर में वही होगा जो सलोनी चाहेगी। ब्रिजेश जी काकी सर। ब्रिजेश तुम भी खाना खा लो, हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाओ। ये नाहर कहाँ रह गया? नाहर कुछ काम था ऑफिस में, उसने कहा काम खत्म करके आता। ठीक है चलो। आप अपना काम शुरू कर दीजिए, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए जब तक मैं उसे बाहर लेकर जाता हूँ सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। डोंट वरी सर, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, आपकी वाइफ जैसे ही घर से निकल जाए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपका काम शुरू कर दूंगा। ओके थैंक यू बाय सर। आप ही को याद कर रही थी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। लंबी हो या छोटी, बस हर लम्हा आपके साथ गुजारने का मौका मिले तो बात ही। वैसे मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या रात को आप अपने कुछ लम्हे हमारे नाम कर सकती हैं? हमने डिनर का प्रोग्राम बनाया हुआ। अरे आज ही अचानक फिर से डिनर का प्रोग्राम बना लिया, कल का दिन भूल गए? भूला नहीं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, एक सेलिब्रिटी का पति होने की इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना हमें। वैसे मैंने सारा इंतजाम कर लिया है कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नो प्रेस नो रिपोर्टर्स, बस तुम फटाफट वहां से निकल जाओ, मैं भी निकल ले रहा हूं यहां से। नहर, अगर आपका डिनर का प्रोग्राम बन गया था तो आपने मुझे पहले बताना चाहिए था, अब घर में खाना भी बन चुका है। तो क्या हुआ सलोनी, मैंने पूरा प्रोग्राम फिक्स कर दिया है, रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर आज तुम नहीं आई ना। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, वैसे भी आपकी जिद के सामने मेरी कहाँ चलती है। थैंक यू सो मच सलोनी, तुम सनशाइन में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। आज तो यहाँ बहुत शांति है, वरना पिछली बार तुम्हारे फैंस ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया था। हाँ भाई तुम्हें तो हंसी आएगी, आखिर तुम्हारे फैंस जो ठहरे। भाई हमारा क्या है, अब तो हमें इस बात की आदत सी डालनी होगी, अब स्टार जो हो गई हैं। वैसे क्या बात है, आज आपको कोई फैन नजर नहीं आ रहा, तो लगता है उन सबको हम पर तरस आ गया है। एक्सक्यूज मी सलोनी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी आवाज बहुत मीठी है, मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ, ऑटोग्राफ प्लीज। आपकी आवाज में जो जादू है ना वो किसी में नहीं, इट्स सो अमेजिंग। आपकी अगली एल्बम रिलीज कब हो रही है? हम सब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। कभी
करो नहीं। सर आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। no, it's okay. और इसी वजह से मैम। इट्स ओके, चलो नहीं। अब मुझे बताओ कि बात क्या है। पहले तुमने अपनी उस बेचारी फैम पर गुस्सा उतार दिया, फिर मुझे उस जगह पर अकेला छोड़ के चली आई, और फिर रास्ते भर मेरे किसी बात का जवाब भी दिया तुमने। ऐसी क्या नाराजगी है मुझसे? मैं किसी से नाराज नहीं हूं नाहर, मेरा मूड ठीक नहीं है बस, इसके अलावा और कोई बात नहीं। बस इतनी सी बात तुम मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता। तो तब ना सही, अब सही। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। नाहर, अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे साथ। नाहर प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से, चलो। क्या कर रहे हो तुम नाहर? अब तो मुझे आंखें खोलने दो। देखो ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि इस अंधेरे के बाद जो उजाला होगा वही तो सरप्राइज है। देखना चाहोगी? देखो, ये सब हमारे बच्चे के लिए सलोनी, ये खिलौने, ये पालना, ये कपड़े, ये सब कुछ हमारे बच्चे के लिए, ताकि जब वो इस कमरे में अपनी आंखें खोले उसे पता चले कि हमने कितनी बेसब्री से उसका इंतजार किया है ना। तुम्हें कैसा लगा सरप्राइज? नाहर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आने वाला मेहमान, मेरा मतलब है हमारा बच्चा, कुछ दिनों बाद हमारी दुनिया में शामिल नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो सलोनी? अरे कुछ ही महीनों में ये बच्चा दुनिया में आने वाला है, ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है नाहर, अगर हम चाहे तो। और अब तो इसके लिए कई तरीके हैं। अगर हम इस बच्चे को कलोनी, 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 बोलना मत वो शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकलने वाले, तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो? तुम अपने हाथों अपने बच्चे को। नाहर मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ। और उसकी कीमत तुम हमारे बच्चे की जान से चुकाना चाहती हो? उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सलोनी? तुम उसे किस बात की सजा देना चाहती हो? नाहर आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। बहुत मुश्किल से किसी को अपने सपने को पूरा। वो बच्चा भी हमारा सपना है सलोनी। पर रही बात तुम्हारे करियर वाले सपने की, तो उसे तुम इस बच्चे के साथ भी पूरा कर सकती हो। तुमने अगर कोशिश की जाए ना तो रास्ते अपने आप मिलते हैं, लेकिन तुम होगी सिर्फ अपने तय किए रास्ते पर चलना चाहती हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तो ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और जरूर आएगा। आज पहली बार तुम मर्दों की जबान में बात कर रहे हो नाहर, और शायद भूल रहे हो कि मैं भी एक इंसान हूं और मुझे भी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पूरा हक है। तुम जानना चाहते थे ना कि रेस्टोरेंट में मैंने उस लड़की से वो ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, मैंने उससे ऐसा कहा क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे अपनी खुशियों का गला घोटने पर मजबूर कर दिया जाएगा, मुझे अपने सपनों को साकार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं एक औरत हूं। आज तक
आज तक मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही, आज जब मैं पहली बार खुद के बारे में सोच रही तो अचानक सबके सामने गलत हो गई। आज मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके लिए मैं और मेरी खुशियां ज्यादा मायने रखती है या ये बच्चा?